झूठी थी मैं झूठी हूँ झूठी ही रहूंगी। सब घर वाले नासिर भाई के घर वालों के रवैये की वजह से बहुत हैरान भी और परेशान भी। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी परेशानी वाली बात? तुम क्यों हो गई हो परेशान? इधर आओ बैठो, तुम्हें पता नहीं है परेशानी की वजह? अरे वजह भाभी है। नासिर ना भाभी की छोटी बहन से शादी करना चाहता था पहले, लेकिन भाभी को वो घर नहीं अच्छा लगा ना, तो उन्होंने मुझे भेज दिया वहां पे शादी करा। क्या? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कैसे यकीन आएगा तुम्हें? अल्लाह, मैं एकदम से सोचने लग गई थी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे भाभी कभी भी खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ ऐसा करे कि कहीं तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, तो तुम्हें पता चलेगा मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी। वैसे मुझे सच सच बात बताओ, भाभी ने तुम्हें यहाँ भेजा ना इधर की उधर लगाने के लिए? नहीं, वो बेचारी तो खुद इतनी परेशान है। बहुत अच्छी बात है, परेशान होना चाहिए उसको, इससे भी ज्यादा हो। मैं तो उनको बोलकर आई हूँ कि मैं और माजिद खुद जाएंगे नासिर भाई के। नहीं 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 नहीं, देखो तुम वहां मत जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। तुम्हें अभी नहीं समझ आएगी? नहीं मतलब तुम खुद सोचो ना, कोई माँ बाप अपनी लड़की की ऐसे घर में शादी कराते हैं जिसके बारे में उन्हें पता हो। कह तो तुम सही रही हो, तो तुम सबको बता दो ना। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बता सकती इस सब के बारे में। और वैसे भी अम्मा ने ना बचपन से सिखाया है कि जब एक बार लड़की की शादी हो जाए ना, तो उसका जनाजा ही उसके ससुराल से उठता है। तो अब मैं निभाऊंगी और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस ऐसे ही चुप रहूंगी। और वैसे भी जब मेरी कोई गलती नहीं है, जब मैंने कुछ किया नहीं, तो फिर मैं क्यों बोलूं किसी को कुछ? है भाई, उसको आना चाहिए ना यहाँ पे, वो मनाए मुझे, वो यहाँ आए बात करे मुझसे। तो क्या नासिर भाई ने तुम्हें एक दफा फोन भी नहीं किया? भाभी को किया था, बस ऐसे ही गुजर रही थी तो सुन ली उनकी बात। देखो तुम खुद को मजबूत रखो, कमाल है भाभी ने बताया नहीं। देखो मैंने अपने आप को मजबूत रखा है, लेकिन मैं तुम्हें ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम अपना ख्याल रख सको। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस घर में कोई तो आया जो मेरी बात सुनता है और जिससे मैं बात कर सकती हूँ। बड़ा दिल हल्का हो जाता है किसी से बात करके, लेकिन भाभी को ना बताना कि जो भी हमारी बातें होती हैं। भाभी ना ज्यादा देर किसी की खुशियां देख नहीं, मतलब इंसान बहुत अच्छी हैं, दिल की भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, बस ऐसे घर तोड़ देती हैं, पता नहीं क्या। मुझे तो लगता है भाभी को ना ये घर चाहिए। वो अम्मा अप्पा की मरने का इंतजार तो नहीं कर रही? खुदा ना खास्ता। तुम यहाँ से जाओ, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पे मुझसे बातें करते हुए देख लिया ना, तो वो सारा इल्जाम तुम पे डाल देंगी कि तुम सारी अंदर की घर की बातें मुझे आकर बताती हो और इधर की उधर लगाती रहती हो। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तो डर सा लगने लग गया ये सब बातें सुन के। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, चलो तुम जाओ, पानी वानी पी लेना ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे पास यहाँ पर। तुम अपना ख्याल रखो। जैसी थी मैं वैसी ही हूं मैं, ऐसी ही रहूंगी। झूठी थी मैं।